72 घंटे के अंदर कोतवाली पुलिस ने किया अंधी हत्या का खुलासा। सिंगरौली जिले के कोतवाली वैडन थाना अंतर्गत आमडी टोला गोभा की 15 वर्षीय किशोरी की अंधी हत्या का खुलासा कोतवाली पुलिस ने किया। शव मिलने के बाद 72 घंटे के अंदर आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिनांक 23 अगस्त 2020 को थाना कोतवाली वैडन में फरियादी किशोर यादव निवासी ग्राम आमडी टोला गोभा ने आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसके नाबालिग पुत्री उम्र 15 वर्ष जो कि जंगल में मवेशी चराने गई थी वह घर लौट कर नहीं आई, जिसकी सूचना पर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह के निर्देश पर बैडन कोतवाली थाना प्रभारी अरुण पांडे द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू की। वह परिजन भी गुमशुदा को ढूंढ रहे थे। वहीं गुमशुदा के परिजनों द्वारा थाना बैडन में सूचना दी गई कि गढ़हरा के जंगल में स्थित कुएं में उनकी लड़की की मृत हालत में शव पड़ा है। कोतवाली पुलिस द्वारा काफी सघनता से प्रकरण का जांच किया गया। जांच के दौरान नाबालिग किशोरी की हत्या में हीरा सिंह गौड़ निवासी मुंगवा टोला गोभा को पुलिस अभिरक्षा में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी हीरा सिंह गौड़ ने पुलिस की तफ्तीश के दौरान बताया कि जंगल में वह झोपड़ी बनाया था जिसमें वन विभाग के लोग झोपड़ी को गिरा दिए थे। झोपड़ी में रखे बर्तन भी फेंक दिए थे, जिसमें इस किशोरी ने भी वन विभाग के कर्मियों की मदद कर रही थी। हमने इस किशोरी को मना किया था कि हमारे बर्तन व सामान झोपड़ी में न फेंके, किशोरी नहीं मानी। तभी आरोपी गुस्से में आकर वह मौका देखकर किशोरी की हत्या कर दी, वह लाश खड्डे नुमा कुएं में फेंक दिया। इस तरह आरोपी ने नाबालिग युवती की हत्या करना कबूल किया। कोतवाली पुलिस ने आरोपी हीरा सिंह गौड़ के विरुद्ध अपराध प्रमाणित होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। वह क्या है मामला? दिनांक 22/8/20 को ग्राम आमडी गोभा निवासी नाबालिग किशोरी अपने घर से जंगल में मवेशी लेने गई थी, जो कि अचानक गायब हो गई थी, जिसका शव दिनांक 24/8/20 को वहीं जंगल में कुएनुमा जगह में मिला था, जिसके संबंध में मर्ग पंजीबद्ध किया गया और मर्ग और अपराध की जांच के दौरान यह पाया गया कि ये प्रकरण मारपीट कर हत्या करने का प्रकरण है, जिस पर प्रकरण में धारा 302-201 बात भी बढ़ाई गई और अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के आधार पर आरोपी हीरा सिंह गोड़ निवासी ग्राम गोभा को पकड़ा गया और उससे पूछताछ पर उसके द्वारा उसकी झोपड़ी तोड़े जाने के बाद लड़की द्वारा सामान फेंकने और मना करने पर नहीं मानने पर उस बात को लेकर उसकी हत्या करना और शव को साक्ष छुपाने की नीयत से कुएनुमा गड्ढे में डाल देने के तथ्य प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसको आज दिनांक न्यायालय में पेश किया गया। सिंगरौली से राजू दुबे की रिपोर्ट।